सरकार कहती है 4% कोटा दे रहे हैं, 4% कोटे दे विच तुसी ये भी सोचो साड़ी कैटेगरी कितनी आ जाती है। सानू पेंशन साड़ी सिर्फ 1500 दिती जा रही है, 1500 च साड़ा की गुजारा होगा? 1500 असी घर का खर्चा कढ़ीए कि असी पेपरां दी फीस भरीए? मेरा नाम गुलाब सिंह है जी, फिजिकल हैंडीकेप्ड एसोसीएशन जिला कई दा प्रधान। की कारण है जी जो तुसी धरना दे रहे हो? की कारण? असी जी लंबे समय तो पंजाब सरकार नूं जदों तो 2017 दे विच सरकार होंद विच आई उदों तो लैके असी इन्हां नूं मंग पत्र अपनियां समस्यावां मुश्किलां टाइम टू टाइम दसदे आ रहे हैं। असी इत्थे बकायदा तौर दे उत्ते रोस रैलियां भी कीतियां, मंग पत्र भी दित्ते। इत्थे पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार उदों मुख्यमंत्री सीगे, उस वेले भी असी मंग पत्र दित्ता। उस तो बाद डीसी साहब नूं मंग पत्र दित्ते, उस तो बाद वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल नूं, उहनां नूं भी असी मंग पत्र दित्ता। ते हुण जिहड़े नवें चीफ मिनिस्टर बणे ने चरणजीत सिंह चन्नी जी, उहनां नूं भी असी रोज़ गार्डन विखे मंग पत्र दे के आए हैं। ते उस तो लंबे समय तो लै के साडियां जिहड़ियां समस्यावां ने, अंगहीनां दीआं जिहड़ियां मुश्किलां ने, उहनां नूं हल ना करन वास्ते दरकिनार कीता होया है। इस करके अज इस 3 दिसंबर दे कौमांतरी दिवस दे दिहाड़े दे उत्ते असी जिला इकाई वल्लों वख वख पिंडां दे विच्चों अंगहीनां नूं इकट्ठे करके असी अज इह सरकार तों मंग करदे हां कि जिथे पढ़े लिखे नौजवान मुंडे अज BA MA करके मतलब दर जिहड़ा हैगा रोज़ बेरोज़गार फिरे ने, असी मंग करदे हां कि उहनां नूं रुजगार दित्ता जावे। इहदे नाल ही जिहड़ी पेंशन है कैप्टन साहब 2500 रुपया वादा करके गए सी, पर वो पेंशन 1500 मतलब दिती जा रही है, जिहदे विच अज दी महंगाई दे मुताबक साडी जथेबंदी चाहुंदी है कि 5000 प्रति महीना जिहड़ा हैगा वो पेंशन दिती जावे। इहदे नाल जिहड़ा नौकरियां दा बैकलाग है वो पूरा कीता जावे। इहदे नाल ही SC ST BC तर्ज दे उत्ते जिहड़े मतलब औरतां नूं प्राइवेट ते सरकारी बसां दे विच मुफ्त सफ़र दी सहूलत दित्ती गई है। असी जिला कमेटी वालों मंग करते हाँ कि साडे अंगहीनां नूं बकायदा तौर दे उत्ते प्राइवेट ते सरकारी बसां दे विचों मुफ्त सफ़र करन दी जिहड़ी दित्ती जावे, आगा दित्ती जावे। ते इहदे नाल ही साडे अंगहीन भरा जिहड़े पढ़ लिख के अजे तिकर किसी रुजगार ते नहीं गए, असी सरकार तों मंग करते हैं कि उहनां नूं जिहड़े ब्याज ते बगैर ब्याज दे उत्ते जिहड़ा हैगा उहदों जिहड़े कर्जा दिता जाए, ता कि जिहड़े अंगहीन भरा ने आपदे तौर पर जे सरकार सानू रुजगार नहीं दे सकती तो घट्टो घट वो सानू बिना ब्याज के उत्ते पर जिहड़ा कर्जा देण दी असी वह मंग करते हैं, ता कि अंगहीन भरा जिहड़े अपने जिहड़ा रुजगार चला सकन। इस तरह असी मंग करते हैं कि SC BC तर दे उत्ते जिहड़े अंगहीन जिहड़े लोगों के विच गरीबी रेखा तो थले ने उन्होंने जो 5 मरले प्लाट दिते जा रहे ने, असी यह मंग करते हैं जिला कमेटी वालों भी अंगहीन जिहड़े बकायदा तौर दे उत्ते जिहड़े उन्होंने घर नहीं उन्होंने 5 मरले दे प्लाट दिते जाण। असी जिहड़ा इस करके अज असी जो रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, जे सरकार अज साडे मसले नूं हल नहीं करती क्योंकि वोटां नेड़े आ रही ने ते चोण जाबता लगन वाला है, ते असी अज इस मतलब इस स्टेज तो ऐलान करते हैं कि जे पंजाब सरकार ने इन्हां ने साडियां समस्यावां ना हल कीतियां आउण वाले समय दे विच असी जिहड़ा तिखे संघर्ष दा प्रोग्राम ली के सरकार दे खिलाफ होर जिहड़े संघर्ष तेज करांगे। मेरा नाम किरणजीत, मैं बठिंडे तो हाँ, मैं ग्रेजुएशन पास हाँ, ते मैं ये कहना चाहनी हाँ सरकार नू कि सरकार कहती है 4% कोटा दे रहे हैं, 4% कोटे दे विच तुसी ये भी सोचो साड़ी कैटागरी कितनी आ जाती है, OH HH होर भी बहुत कैटागरियां जिहड़ियां ते जदों असी सानू कहंदे आ तुसी गवर्नमेंट दे जदों एग्जाम दिंदे आ असी सानू फॉर्म फिल करन तों पहला सानू कहंदे 500 रुपया थोड़ा ड्राफ्ट होऊगा, मैं NTT दा फॉर्म फिल कीता सी, उन्हां ने मेरे तों 500 रुपया ड्राफ्ट दा ते अज उन्हां ने पेपर नहीं लैता, साडा पेपर भी कैंसल कर दिता। असी मैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जदों फॉर्म फिल कीता उत्थे भी 500 रुपया ते सानू पेंशन साडी सिर्फ 1500 दित्ती जा रही है, 1500 च साडा की गुजारा होऊगा? 1500 असी घर दा खर्चा कढ़ीए कि असी पेपरां दी फीस भरीए? तुसी आप ही सोचो ते सानू सोचना चाहिए साडी 1500 नहीं जो तुसी वादे कीते सी साडी 2500 नहीं 5000 कीती जावे साडी पेंशन। ते मैं यही भी कहना चाहुंनी आ सानू कह दंदे आ हैंडीकैप्ट सानू पहल हुंदी आ, सानू कोई पहल नहीं हुंदी। सानू हुण जो भी जदों भी पेपर लैता जांदा उदों मैट साडी 60 70
मैक्सिमम 70-80 दे अकॉर्डिंग ते जा रही है ते सानू घट तो घट नंबरां दे विच साडी सिलेक्शन कीती जावे ते सानू हक ते सच दी खबर लई लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।